हमारी दुनिया के ऐसे जानवर जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। सबसे पहले एक ऑक्टोपस को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया जाता है तो तब भी वह ऑक्टोपस के टुकड़े कई घंटे तक जिंदा रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके ब्रेन में नहीं उसके पैरों में होता है, इसीलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने पर भी यह जिंदा रहता है। दोस्तों, जापान और चाइना जैसे देशों में ऑक्टोपस को जिंदा ही खा लिया जाता है। नेक्स्ट, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म ऐसे जीव होते हैं जिनके आप टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी उनकी मौत नहीं होगी, और आप इसके जितने टुकड़े करोगे इनकी संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी क्योंकि फ्लैट वर्म का कटा हुआ हर टुकड़ा एक नया शरीर बना लेता है। नेक्स्ट, अगर सांप का सर काट दिया जाए तब भी वह कई घंटों तक जिंदा रह सकता है, और यह कटा हुआ सर आपको काट भी सकता है, तो सांप के कटे हुए सर से भी दूर रहना चाहिए। लास्ट, फ्रॉग्स। दोस्तों, मरे हुए मेंढक को अगर आप पानी में डालोगे तो इसमें आपको हलचल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब मरे हुए मेंढक के पैरों पर नमक डाला जाता है तो पैर हिलने लगते हैं।